वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASM Adda फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के बारे में एज पर ASME सेक्शन 9 एडिशन 2021। सो PQR के टेस्ट कूपन की वेल्डिंग के लिए हमने SMEW वेल्डिंग प्रोसेस को सेलेक्ट किया है। SMEW प्रोसेस के वेरिएबल्स को सेलेक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। सो एक क्वेश्चन होता है कि प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और वेल्डर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्यों होते हैं। जब हम जॉब पे वेल्डिंग करने से पहले हमें पता नहीं होता कि जो हमने वेल्डिंग की है तो वो उसमें केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बेस मेटल के केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के सेम हैं या सुपीरियर क्वालिटी के हैं। हमें वेल्डिंग क्वालिटी को जानने के लिए, वेल्डिंग की स्ट्रेंथ जानने के लिए हमें प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और वेल्डर क्वालिफिकेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि WPS और PQR की क्या डेफिनेशंस हैं, एक्चुअली में WPS PQR क्या होते हैं और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। WPS की जो डेफिनेशन है वो ASME सेक्शन 9 QW 200.1 क्लॉज नंबर है, उसमें गिवन है। WPS मीन्स वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। WPS एक ऐसा रिटन क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर होता है जो प्रोडक्शन वेल्डिंग करने के लिए हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है टू मीट कोड रिक्वायरमेंट्स। और इसके अलावा WPS वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर दोनों को ही ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है सो दैट जो कोड रिक्वायरमेंट है वो कंप्लायंस हो सके। अब हम देखते हैं कि PQR क्या होता है। तो PQR QW 200.2 में इसकी डेफिनेशन गिवन है। PQR मीन्स प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। तो PQR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टेस्ट कूपन की वेल्डिंग के दौरान जो वेरिएबल्स हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। और इसके अलावा जो टेस्ट कूपन की टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो भी उसमें हम PQR में ही रिकॉर्ड करते हैं। PQR में इसके अलावा जो रिकॉर्डेड वेरिएबल्स हैं PQR में उसमें, और जब वेल्डर एक्चुअली में वेल्डिंग करेगा तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक स्मॉल रेंज में ही होते हैं, क्योंकि हमने जो वेल्डिंग है वो ऑलरेडी वो क्वालिफाइड कर चुकी है वेल्डिंग टेस्टिंग को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं होता है। WPS और PQR में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। PQR हमने देखा कि PQR एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें हम सारे वेरिएबल्स हम रिकॉर्ड करते हैं और टेस्टिंग रिजल्ट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। जब आपका PQR क्वालिफाई हो जाएगा उसके बेसिस पे हम वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है कि WPS अपने आप क्वालिफाई नहीं होगा, वो PQR के बेसिस पर ही क्वालिफाई होगा। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और वेल्डर क्वालिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स आने वाले हैं। स्टेप 1, अब स्टेप 1 में हम सबसे पहले प्रपोर WPS प्रिपेयर करेंगे। प्रपोर WPS में हम SMEW वेल्डिंग प्रोसेस के लिए वेल्डिंग पैरामीटर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब जो वेल्डिंग पैरामीटर्स हैं वो टेबल QW 253 SME सेक्शन 9 में गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं QW 402 होता है, वो होता है जॉइंट डिज़ाइन के लिए। हमने सिंगल बेवल सेलेक्ट किया है और सिंगल बेवल में हम वेल्डिंग करने के बाद बैक चिप करेंगे। बैक चिप करने के बाद सेकंड साइड से हम रीवेल्ड करेंगे। देन QW 403 में बेस मेटल आता है। हमने जो बेस मेटल सेलेक्ट किया है वो SME SA5 ग्रिड 70 30 mm प्लेट का थिकनेस का टेस्ट कूपन हमने लिया है और इसका पी नंबर है वो 1 होगा। अब QW 404 में फिलर मेटल की रिक्वायरमेंट्स हैं। फिलर मेटल हमने E708 का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है और उसके डायमीटर्स हैं वो 3.15, 4 और 5 mm लिए हैं। अब इसमें SFA नंबर इसका 5.1 होता है और इसका जो मेक हमने यूज़ करने वाले हैं वो है वोहलर। अब देखते हैं हम QW 405 को। QW 405 पोजीशन के लिए होता है। हम इस टेस्ट कूपन की वेल्डिंग 3G पोजीशन में वेल्ड करने वाले हैं और विद
अपहिल प्रोग्रेशन। मोस्टली जो वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं वो अपहिल प्रोग्रेशन में ही होती है। QW 406 में प्रीहीट के बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं कि अभी हमने एग्जांपल लिया ऐसे 5 और 6 ग्रेड 70 का, सो इसका पी नंबर 1 होता है। तो कार्बन स्टील में रूम टेम्परेचर पर हम जनरली वेल्डिंग करते हैं। सो इन केस अगर आपका विंटर का सीज़न है तो आपका रूम टेम्परेचर तो नहीं होगा, तो उस केस में हम प्री हीटिंग करेंगे 30-40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। सो अब प्री हीट के बाद हम देखते हैं QW 407, दिस इज़ फॉर PWST। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोज है। अब हम इसमें दो तरीके से टेस्ट कूपन को वेल्ड करेंगे। एक करेंगे विदाउट PWST टेस्टिंग करेंगे और एक विद PWST टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो टेस्ट कूपन की थिकनेस को सेलेक्ट किया है वो 30 mm थिकनेस है। तो जब 30 mm थिकनेस के टेस्ट कूपन के बेसिस पे WPS को क्वालिफाई करेंगे, सो उसमें थिकनेस रेंज अप टू 60 mm होगा। सो जब हम 60 mm की थिकनेस में इस WPS फिगर को यूज़ करेंगे, तो 60 mm में एज़ पर ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 में PWST की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, क्योंकि ये PWST है वो एसेंशियल वेरिएबल है। सो जैसे ही एसेंशियल वेरिएबल में कोई भी चेंज होता है तो पी की ओर आपका वैलिड नहीं होगा, जब पी की ओर वैलिड नहीं होगा तो आपका WPS भी वैलिड नहीं होगा। सो इसके लिए हमने दोनों अप टू 60 mm की थिकनेस के लिए दो टेस्ट कूपन वेल्ड कर रहे हैं, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसका पार्ट टू भी बनाएंगे, पार्ट टू में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से दो टेस्ट कूपन को वेल्ड करके एक WPS बनाएंगे। सो अब देखते हैं हम QW 409 है वो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। इसमें जो इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है वो डाया के अकॉर्डिंग करंट की रेंज प्रोवाइड करता है। सो इस करंट में हम मान के चलते हैं कि इस रेंज में हम यूज़ करने वाले हैं वेल्डिंग। उसके बाद QW 410 है, टेक्निक्स गिवन है। सो SMW वेल्डिंग के लिए स्ट्रिंज टेक्निक का यूज़ करते हैं और मल्टीपल पास भी यूज़ करेंगे और सिंगल पास भी यूज़ करेंगे। अब स्टेप टू में इसके बाद PQR का टेस्ट कूपन प्रिपेयर करेंगे। सो PQR का टेस्ट कूपन प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हम उसका रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जिस प्लेट से हम टेस्ट कूपन को कट करने वाले हैं उसको हम पहले रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन करेंगे TPIA या क्लाइंट की प्रेजेंस में। रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हम प्लेट का MTC रिव्यू करेंगे। हमारा जो मटेरियल है बेस मटेरियल है वो ऐसे 5 और 6 ग्रेड 70 है। सो MTC रिव्यू कैसे करना है ग्रेड 70 का, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चाहें तो रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ MTC आपको इलेक्ट्रोड का भी रिव्यू करना है। अब हम RMI करने के बाद आपका रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम सैंपल कट करेंगे, उसका सैंपल साइज़ क्या रखना है। सो 150 mm आपको विड्थ रखनी है और 300 mm लेंथ लेनी है। दो टेस्ट कूपन सेम साइज़ के लेंगे। तो इस तरीके से दो सैंपल कट करने के बाद आपको बेवल एज प्रिपेयर करना है। 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों में, 30 डिग्री इसमें और 30 डिग्री दूसरे वाले टेस्ट कूपन में लेना है। और जब आप सेटअप करेंगे वेल्डिंग के लिए, सो जो रूट गैप है वो 2 से 3 mm रखने वाले हैं और रूट फेस 102 mm रखेंगे। अब बेवल एज का हम LPT भी करेंगे, सो दैट कि अगर बेवल एज पर कोई भी क्रैक होता है सो वो हम डिटेक्ट कर सकें, ताकि ये आगे प्रोसीड ना हो जाए। अगर ये क्रैक आगे बढ़ जाएगा तो वो जब हम PQR की टेस्ट कूपन की टेस्टिंग करेंगे तो उसमें टेस्टिंग रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। और उसके बाद हम फिर क्लीनिंग कर देंगे जॉइंट की। जॉइंट क्लीन करने के बाद हम स्टेप 3 पे क्या करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड की हम प्रॉपर बेकिंग करेंगे बेकिंग ओवन में जो टेम्परेचर हम रखने वाले हैं वो 300 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए उसको सोक करेंगे इस टेम्परेचर पर।
और ये जो टेम्परेचर है वो आपको जो मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रोड का वो रिकमेंड करता है कि आपको कितने टेम्परेचर पे इसको बेक करना है। अब आगे हम प्री हीटिंग करेंगे टेस्ट ओवन की। देन स्टेप फाइव में हम प्रोसीड करेंगे वेल्डिंग के बारे में। अब PQR की जो टेस्ट ओवन है उसकी वेल्डिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वेल्डिंग इंजीनियर, TPI अगर एप्लीकेबल है तो, और क्लाइंट एप्लीकेबल है तो क्लाइंट की प्रेजेंस में भी वेल्डिंग करने वाले हैं। और वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हार्ड स्टैंपिंग करेंगे PQR के टेस्ट ओवन पर। क्लाइंट और TPI दोनों कर सकते हैं। कूपन पर वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद कोई भी सरफेस डिफेक्ट है लाइक पोरोसिटी है तो उसके लिए हम LPT करेंगे। LPT में कोई डिफेक्ट है तो हम उसको रेक्टिफायर देंगे। और इसके बाद हम रेडियोग्राफी करने वाले हैं टेस्ट कूपन की NVL लैब में सैंपल भेजने से पहले, क्योंकि अगर कोई भी स्लैग है वेल्डिंग में या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, इनकम्प्लीट फ्यूजन है तो वो, या क्रैक आ रहा है वेल्डिंग में, तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या हुआ कि आपका सैंपल वहाँ जाएगा और टेस्टिंग भी फेल हो जाएगी, तो आपके अननेसेसरी चार्जेस भी वेस्ट जाएंगे। अब PQR टेस्ट कूपन को NVL लैब में हम भेजेंगे विटनेस करने के लिए। TPI या क्लाइंट जो जिसकी भी प्रेजेंस में आपको विटनेस कराना है। सो अब हम ये देख लेते हैं स्टेप नंबर 7 में कि आपने सैंपल भेज दिया, टेस्ट कूपन का सैंपल आपने लैब में भेज दिया है NVL लैब में, अब उसमें क्या क्या टेस्टिंग रिक्वायर्ड है एज़ पर SME सेक्शन 9। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। आपको प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और बेल्डर क्वालिफिकेशन दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं।
सो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए जो टेस्टिंग रिक्वायर्ड है वो QW451.1 टेबल है, उसमें आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दो टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन की टेस्टिंग करनी है। अब टेंशन टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो QW150 में दी हुई हैं कि आपको सैंपल किस तरीके से लेना है, और QW153 में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब नंबर दो पे आपको साइड बैंड टेस्ट दिए हुए हैं, फोर नंबर चार आपको साइड बैंड टेस्ट करने हैं। अब साइड बैंड टेस्ट के बारे में दिया हुआ आपको QW160 में। तो ये आपकी प्रेशर क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। सो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की टेस्टिंग आपकी टेबल QW452.1 में गिवन है। सबसे पहले टेस्ट आपको विजुअल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, विजुअल इंस्ट्रक्शन क्लॉज नंबर QW302.4 में दिया है। आप QW302.4 को आप रेफ़र करेंगे, देखेंगे तो वो रेफ़र करता है QW194 के लिए। सो वहाँ पर ये गिवन है कि आपकी जब आप विजुअल इंस्ट्रक्शन करेंगे तो वेल्डिंग में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन होना चाहिए विद कंप्लीट फ्यूजन ऑफ वेल्ड एंड बेस मेटल। नंबर दो पर साइड बेंड टेस्ट है, दो नंबर आपको साइड बेंड टेस्ट करने हैं। तो आपने देखा कि प्रोसीजर क्वालिफिकेशन में भी आप चार बेंड टेस्ट करने वाले हैं, तो आपको सेपरेटली इसमें दो साइड बेंड टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से। सो अब हम देखेंगे कि आपका जो सैंपल है टेस्ट कूपन का, उसमें से जो आपके टेस्ट रिक्वायर्ड हैं दो टेंशन और चार साइड बेंड टेस्ट, उसको आप किस तरीके से कट करेंगे, किस तरीके से मार्किंग करनी है। सो वो ओरिएंटेशन टेस्ट सैंपल की QW463.1V में गिवन है। ये हम 30 mm के टेस्ट कूपन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की है। तो ये आपका टेस्ट कूपन है, और टेस्ट कूपन में ये आपकी बेल्डिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये बेल्डिंग की डायरेक्शन है ये। और आप जो टेस्ट स्पेसिमेन निकालने वाले हैं वो बेल्डिंग की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में निकालने वाले हैं, ये जो डायरेक्शन है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। अब आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपको इधर ऊपर टॉप से और बॉटम से आपको डिस्कार्ड करना है दोनों पीसेस को, उसके बाद साइड बैंड का स्पेसिमेन लेना है, फिर रिड्यूस्ड सेक्शन टेंसाइल स्पेसिमेन लेना है, उसके बाद दो साइड बैंड स्पेसिमेन लेने हैं, देन अगेन रिड्यूस्ड सेक्शन टेंसाइल स्पेसिमेन लेंगे, और लास्ट है आपका साइड बैंड स्पेसिमेन। तो आपके टोटल चार, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4 आपके साइड बैंड स्पेसिमेन हो गए, और ये 1 और 2 आपके हो गए दो टेंशन स्पेसिमेन। तो इस तरीके से हम सैंपल निकाल रहे हैं हमें टेस्टिंग के लिए। स्टेप नंबर एट में जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी NABL लैब में, तो उसके बाद हम रेडियोग्राफी फिल्म को इंटरप्रेट करेंगे, और जो आपके टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं NABL की, टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन की और बैंड टेस्ट स्पेसिमेन की, सो उनको बेल्डिंग इंजीनियर, TPI और क्लाइंट जो भी एप्लीकेबल है वो उसको रिव्यू करेंगे। सो वो रिव्यू करने के बाद अगर रिपोर्ट्स एक्सेप्टेबल होती हैं, फिर उसके बाद हम WPS, PQR और WPQ के फॉर्म्स को फिलअप करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन हो जाएगा और साथ ही साथ बिल्डर क्वालिफिकेशन में हो जाएगा। सो अब हम पार्ट टू में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको रिजल्ट्स किस तरीके से इंटरप्रेट करने हैं, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, टेंशन टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, और बैंड टेस्ट जो आपने किए हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको ये WPS, PQR और WPQ के जो फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से फिल करने हैं, वो सारी चीज़ें हम
पार्ट टू बनाने वाले हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।